नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम दो बड़ी अपडेट पर चर्चा करेंगे। एक तो HSSC डी ग्रुप की जो वेटिंग लिस्ट आनी है वो कब तक आएगी, बहुत जल्दी आने वाली है, उसमें कितने कैंडिडेट हैं उनका परिणाम घोषित होगा। और एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में क्लर्क, JEE और ड्राफ्टमैन के कुछ पद निकले हुए हैं बिना CET के, उसमें CET प्री के लिए रोना अनिवार्य नहीं है। इन्हीं दोनों चीज़ों पर हम थोड़ा सी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। एक तो HSSC जो डी ग्रुप है इसकी वेटिंग लिस्ट, ठीक है, और दूसरी है कि क्लर्क और JEE ड्राफ्ट्समैन, ये है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। देखो इनके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि HSSC जो डी ग्रुप की जो वेटिंग लिस्ट है संभवत है आज आएगी शाम तक, या फिर कब, जो आचार संहिता से पहले ही आएगी, पर वो कैंडिडेट होंगे अप्रोक्सीमेट 700। ये 700 वे कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स कट ऑफ से भी ऊपर हैं, यानी कि कट ऑफ जो 81.3738 जो भी है इससे भी ऊपर है, पर इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। देखो इनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, एक तो इनकी कैटेगरी चेंज कर दी गई, ठीक है, जो पोर्टल निकला था उसमें माइनर मिस्टेक कह सकते हो, पर वो मेजर मिस्टेक कह सकते हो कि ये बच्चे वंचित रह गए थे, पर वो वही बात है, देर आए दुरुस्त आए, इनका सिलेक्शन होना है। इनकी अप्लीकेशन मांगी गई थी तो अभी शाम तक इन 700 लगभग ये 680-685 कैंडिडेट हैं, है ना, और भी बढ़ सकते हैं अभी, तो 700 के लगभग ये कैंडिडेट हैं। इनका रिजल्ट संभवतः आज ही आएगा शाम तक। इनकी कैटेगरी भी चेंज कर दी गई, जर्नल को EWS कर दिया, किसी को SC को जर्नल कर दिया, तो इस तरह से इनकी कैटेगरी चेंज कर दी, ये बच्चों का रिजल्ट आज ही आएगा। ये तो अब जो सेकंड है ये इम्पोर्टेंट आपके लिए कि कलर की भर्ती है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि इनके जो ऑनलाइन फॉर्म है ये आपको अप्लाई करने हैं, ऑनलाइन फॉर्म जो अप्लाई करने हैं वो 15 मार्च से 26 मार्च तक आपको अप्लाई करने हैं, ठीक है। एक तो ये बात ध्यान रखनी है, देखो फॉर्म तो सारे अप्लाई करो क्योंकि बेरोजगारी तो आपको पता है कि बहुत बड़ा आज के दिन अभी साफ है, ठीक है। तो वो बात है कि जैसे यदि हम कोई एक टारगेट अचीव करते हैं तो हमारी नजर दूसरी जगह चली जानी चाहिए, और वैसे भी कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है, लिटल से तो ए लिटल अच्छा है, लिटल ना के बराबर ए लिटल कुछ, तो लिटल से ए लिटल अच्छा है, कुछ नहीं से कुछ अच्छा है। तो जब तक आप कामयाब नहीं होते, जब तक आपको अपना टारगेट अचीव नहीं होता, आपकी गोल आपको नहीं मिलती, तब तक आप ये सारे जितने भी वेरियस प्रकार के जितने भी एग्जाम हैं, भर्तियां हैं, ये सारे फॉर्म अप्लाई करते रहो। वो कहते हैं ना कि पढ़ा हुआ खाया हुआ खेला हुआ कहीं नहीं जाता, वो कहीं कहीं काम आता है। तो हो सकता है हम तैयारी किसी की कर रहे हैं और वो काम कहीं आ जाती है, तो ये फॉर्म भरती रहना, ऑनलाइन अप्लाई करना है। क्लर्क के पदों पर है भर्ती, JEE है और ड्राफ्टमैन है, ऑनलाइन मैंने बता दिया 15 मार्च से 26 मार्च है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में मैं बात करूं एग्जाम की। देखो एग्जाम तो निसंदेह है कि एग्जाम तो 2024 में HSSC के सारे एग्जाम होने हैं, तो तैयारी तो बिल्कुल ही मत छोड़ना, क्योंकि तैयारी कई बार हम मायूस होकर तैयारी छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए हानिकारक होती है। तैयारी तो करते रहो, किस जब आपकी तैयारी, जब आपकी मेहनत आपकी सफलता के बराबर हो जाएगी तो सफलता तो मिलना सुनिश्चित है, और पुरुषार्थी व्यक्ति के लिए सफलता मिलना सुनिश्चित है। अब सुनो, एग्जाम जुलाई में, अब जुलाई में तो बहुत से एग्जाम होने हैं, हरियाणा पुलिस का भी होना है, ठीक है, हरियाणा पुलिस का एग्जाम भी जुलाई में होना है, उसके बाद CET कंफर्म जो प्री है वो भी, जो नेक्स्ट है वो भी जुलाई में ही होना है, उसके बाद HSSC यदि डी ग्रुप है,
ठीक है, तो डी ग्रुप की यदि 10-12 हजार और पोस्ट बढ़ती है तो ये भी एग्जाम में भी संभव है। ठीक है, तो जुलाई में तो बहुत से एग्जाम हो रहे हैं, जो भी री एग्जाम है या जो बचे हुए एग्जाम है वो सारे जुलाई में हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव के बाद ही हो रहे हैं, तो जुलाई में तो होने ही है, सितंबर तक इनकी ज्वाइनिंग जूनिंग सब कुछ हो जाएगा। अब चूंकि ये बातें तो बहुत लंबी खींच जाएगी, तो अब बात करते हैं हम, कम टू द पॉइंट, क्लर्क जेई और ड्राफ्ट में। तो एग्जाम मैंने बता दिया इनका जुलाई में है। अब देखो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो सीधी सी बात है, एक तो क्लर्क है, ठीक है, एक जेई और ड्राफ्टमैन है। अब इनमें तो डिप्लोमा होना अनिवार्य है, जेई में तो आईटीआई होनी जरूरी है, ठीक है, इसमें भी ड्राफ्टमैन में भी डिप्लोमा होना जरूरी है। क्लर्क में ओनली एंड ओनली ग्रेजुएशन होनी है, बीए पास्ट, बीए जो पास्ट है, बीए पास है वो क्लर्क के फॉर्म अप्लाई कर सकता है 15 मार्च से 26 मार्च तक। उसके बाद क्वालिफिकेशन में ये भी मान सकते हो कि विदाउट सीईटी, सीईटी होना अनिवार्य नहीं है, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हैं जो जो भी फॉर्म है ये आपको अप्लाई करने हैं, ये जो पद है ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हैं। अब एक छोटी सी बात और बताता हूं कि फीस के बारे में बताता हूं कि जो जनरल है उसके तो 1,000 रुपए 1,000, और जो रिजर्व कैटेगरी है, जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 500। देखो ये जो एसएससी डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट है 700 बच्चों की आएगी, उनको हृदय से बधाई शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हुआ आप विश्वास करो कि बहुत बड़ी लिस्ट आएगी, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, चार कम से कम चार तो मान ही लो, जो जो और जो भर्तियां हो रही हैं और भी तो एसएससी में हो रही हैं, पीजीटी की हो रही हैं, या फिर केवीएस की, और भी एसएससी जीडी की, एसएससी और डीएसएसबी के, टीजीटी की, डीएसएसबी की, और भी क्लर्क की भी बहुत सी पोस्ट निकली हुई है, सभी का रिजल्ट आ जाएगा, बहुत बड़ी लिस्ट बनेगी, पद भी बढ़ेंगे, आपका सिलेक्शन होगा, कन्फर्म होगा, उस विधाता की नजर हमारे ऊपर है। मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि मान लिया जाए तो हार निश्चित है, और ठान लिया जाए तो जीत निश्चित है। लगातार प्रयासरत रहे, संकल्पकृत होकर सही दिशा में प्रयास करते रहें, और हमें उनको जीत कर दिखाना है जो हमारी हार का इंतजार कर रहे हैं। और यदि आप किताबें छोड़ दोगे तो हार निश्चित है, और यदि पढ़ते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, तो किसी न किसी एग्जाम को फाइट करोगे और कन्फर्म आप सफलता को प्राप्त करोगे। धन्यवाद।